इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों का 101वां साल पूरा हो गया है। बीते मंगलवार पूरी रात इंदौर में रथ जगा हुआ। रात भर निकली झांकियों ने 12 घंटे में करीब 8 किलोमीटर का सफर पूरा किया और झांकी मार्ग पर 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। लेकिन जो इन झांकियों को अनंत चतुर्दशी पर नहीं देख पाते, उनके लिए 3 दिनों तक उनके निर्माण स्थल व मिलों तक दर्शकों के लिए पुनः रखा जाता है, ताकि जो लोग भीड़ भाड़ के कारण नहीं देख पाए वे इन्हें आराम से देख लें। शनिवार को इसके आखिरी तीसरे दिन इन्हें देखने के लिए शाम को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम आपको बता दें कि इंदौर में निकलने वाली झांकियों में सबसे पुरानी हुकुमचंद मिल की झांकी का यह 101वां साल था। इसकी 3 झांकियों में सत्यम शिवम सुंदरम गीत, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और श्री कृष्ण इंद्र के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया। वहीं कल्याण मिल की झांकी का यह 95वां साल था। इसमें माँ कालिका को रक्त बीज राक्षस का वध करते हुए दिखाया था। तो मालवा मिल की झांकी का यह 90वां साल था। कुल 3 झांकियों में से पहली राष्ट्रीय एकता भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप और तीसरी झांकी में सीताराम का स्वयंवर दिखाया गया था। 75 साल से अनंत चतुर्दशी की झांकी में शामिल हो रहे होप टेक्सटाइल की 2 झांकियों में भगवान गणेश के मस्तक की स्थापना और शिव तांडव नृत्य को दिखाया गया। जनता को सामाजिक मुद्दों पर जागृत करने और धर्म संस्कृति और परंपरा से जुड़े संदेश पहुंचाने के लिए झांकियां निकाली गई। जब देश गुलाम था तब झांकियों में आजादी के संदेश दिए जाते थे, अब झांकियों में आज के परिदृश्य के हिसाब से भी संदेश दिए जा रहे हैं। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।